चला रहे थे, लेकिन तो भी वहीं क्यों, क्योंकि वो नौका के लिए जो बांधा रस्सा था वो छोड़ा ही नहीं था। इसी तरह हम भी इस अंधेरे में, कलयुग के अंधेरे में बाबा के नौका में बैठे हैं, वल्ले भी घुमा रहे हैं, सेंटर पर जा रहे हैं, मुरली सुना रहे, सुन रहे, अमृत तलब उठ रहे, पुरुषार्थ कर रहे, मधुवन में आ रहे हैं, वल्ले घुमा रहे। लेकिन अगर मैंने संस्कारों के रस्से नहीं तोड़े तो जहां से निकले थे वही अनुभव करेंगे। इसलिए संस्कार परिवर्तन जरूरी है, संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है। जैसे बता रहे थे कई भाई बहन कहते योग में बैठते हैं ना तो बाबा प्यार नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने संस्कार परिवर्तन नहीं किए। जैसे दुनिया में अगर कोई पति पति शादी करता है तो आजकल दुनिया में क्या करते हैं, जोड़ी ढूंढते हैं, पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी ऐसी चाहिए, अगर पति दिखने में अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे अरे क्या तुम इतने अच्छे और तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसी तरह बाबा भी भले भोला है लेकिन तो भी बाबा जोड़ी ढूंढता है, जोड़ी मतलब हमारे शरीर को नहीं देखता, किसको देखता है, आत्मा को देखता है, आत्मा की क्वालिटी को देखता है, इसके संस्कार कितने रॉयल है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हमारे गले में वरमाला डाली, पसंद किया है। आज बाबा ने कहा ना मुरली में सवेरे, कहते बच्चे सोचो कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, ये नशा होनी चाहिए, पढ़ाने वाला मुझे कौन है। जैसे दुनिया में जैसे पति जाता है, पहले पत्नी को देखता है, फिर पसंद करता है, फिर दोनों मिलकर के सात फेरे लेते हैं, तो आप लोगों ने लिया सात फेरे, सात दिन का कोर्स ये है सात फेरे, और सात फेरे लेने के बाद फिर क्या करते हैं, वरमाला पहनाते हैं, वरमाला पहनाने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं, मंगलसूत्र अर्थात ब्याज, अगर ब्याज नहीं पहनते मतलब अभी तक शादी कच्ची पक्की है, ये ब्याज है हमारा मंगलसूत्र। जैसे किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो लोग कहेंगे अरे इसका कोई रखवाला नहीं है, किसी की दृष्टि जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास ब्याज है हमें और सत्संग वाले नहीं बुलाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये ओम शांति वाले ये हमारे पास नहीं आएंगे, अगर ब्याज होगा तो, अगर ब्याज नहीं तो लोग कहेंगे हाँ हमारे पास भी आओ, हमारे वहां बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते, लेकिन उनको पता चलेगा ये ओम शांति वाला ज्ञान सुनते फिर तो नहीं कहेंगे वो तो बहुत अच्छा है। चलो जैसे मंगलसूत्र पहना, सात फेरे लिए, वरमाला पहनी, उसके बाद पति क्या करता, पत्नी को अपने घर में लेके जाता है, और घर में लेके जाने के बाद कई डायरेक्शन देता है, देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना ये करना ये नहीं करना, बर्तन मांजना, पड़ोसने के बाद जाकर नहीं बैठना, कई डायरेक्शन देके वो ऑफिस में चला जाता है। जब शाम को आया तो क्या देखा, वो पड़ोसने के पास बैठी है, कहेगा चलो कोई बात नहीं आज का दिन पहला दिन था, दूसरे दिन कहा कुछ और किया ही नहीं, वो रोज वो कहता और पत्नी कुछ उसे विपरीत करती है, दोनों का आपस में झगड़ा होगा, झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक हम अपने घर में ठीक, इसको कहते डाइवर्स। चलो आजकल तो डाइवर्स नहीं करते, आजकल गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़े हो गए, लेकिन अगर कोई पत्नी पति का कहना नहीं मानती तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है, लेकिन जो पहली पत्नी है उसने खाया पिया सोया कुछ ही देखता ही नहीं उसके तरफ, उस पत्नी का क्या लाइफ है। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, बाबा कहते मैं पतियों का भी पति हूं, तो वो भी हमें क्या करता है, पसंद किया सब कुछ किया, तो रोज परम धाम से आकर के हमें क्या सुनाता है, ज्ञान सुनाता है। ज्ञान क्या है, पति ने आज क्या करने के लिए बोला और पति ने क्या मना किया है, दो कॉलम में लिखो, आज पति ने क्या मना किया उसको करो, जो मना किया उसको नहीं करना, और जिसको जिसको करने के लिए बोला वो करना। कहता है आज परचिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, श्रीमत प्रमाण चलना, आत्माभिमानी बनना, कितनी सारी रोज डायरेक्शन देखे जाता है, दो कॉलम में लिखो, जो कहा करने के लिए बोला उसको करना, जो मना किया उसको नहीं करना, इसको कहते ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं,
जो करने के लिए बोला उसको नहीं करते और जो मना किया उसको कर लेते। कोई ना कोई संस्कार के वश हो करके परचिंतन करेंगे, दूसरे के दोस्त देखेंगे, औरों को सुनाएंगे। बस जब शाम को योग में बैठेंगे तो बाबा का प्यार, पति का प्यार कैसा मिलेगा? इसीलिए अगर बाबा का प्यार चाहते, योग की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। नहीं तो फिर क्या करेगा, जैसे दुनिया में क्या करते हैं, पति को छोड़ देते हैं, पति क्या करता है, पत्नी को छोड़ देता है, या नहीं छोड़ता तो फिर दूसरी शादी करता है। तो बाबा भी आपके पद के जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उसे प्यार करेगा। इसलिए हमें बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। तो संस्कार परिवर्तन जरूरी है। और अभी तो समय कैसा चल रहा है देख रहे हैं, अभी कितना समय हमको मिलने वाला है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब हमें क्या करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और जितना संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, उतना योग लगेगा। तो चेक करो मेरे अंदर कौन से ऐसे संस्कार है हर एक को क्या करना है। वैसे तो संस्कार हमारे अंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट होते हैं, जिसको कहते हैं कड़े संस्कार, उसको परिवर्तन करना है। जैसे युद्ध करते, युद्ध में क्या होता है, इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है, तो दुर्योधन क्या करता है, ये अर्जुन क्या करता है, दुर्योधन को तीर लगाता है, दुर्योधन को मारेगा, बाकी जो छोटे लड़ रहे हैं उनको नहीं मारेगा। ये युद्ध की नीति होती है, महारथी महारथी के साथ लड़ता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने कौन से संस्कारों को परिवर्तन करना है, जो संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट होते हैं उसको परिवर्तन करना है। हम क्या समझते हैं, मैं ज्ञान में चलता हूं, मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, लेकिन बाकी ये रह गया। बस जो रह गया वही हमारे जीवन में क्या होता है, जब अटैक करता है, जितना मारा उनको सब जिंदे हो जाते हैं। इसलिए जो कड़ा संस्कार है उसको परिवर्तन करो। आप अपने जीवन के हर एक एनालाइज करो अपने खुद को, कभी अभी करो या फिर एकांत में कभी बैठ कर करना। कभी आप अपने जीवन के क्या करो, 8-9 साल तक पहुंचो और हर एक को अपना 8-9 साल तक का जीवन याद आए, तब से वहां तक पहुंच करके चेक करो कि मैंने 8-9 साल से, जब से मुझे समझ आई, तब से मैंने कौन से संस्कार के वश ज्यादा कुछ गलतियां की, विकर्म किए, वो चेक करो। 8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक मेरे अंदर कौन सा संस्कार था, उसके बाद मुझे ज्ञान मिला, समझ मिली, इतनी समझ मिली, ज्ञान मिला, ये रॉन्ग है ये राइट है, तो भी मैं कौन से संस्कार के वश हो जाता, वो चेक करो। और मुझे लगता है दोनों वही संस्कार होगा, जो पहले ज्ञान के पहले था, ज्ञान में आने के बाद भी वही संस्कार है, अब थोड़ा उसका रूप बदला हुआ है। अब थोड़े कभी कभी संकल्पों में आता है, कभी कभी कर्मों में भी आता है। ये मेरी बीमारी है, ये मेरा कड़ा संस्कार है और मुझे उसको परिवर्तन करना है। जैसे राम और रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। तो विभीषण क्या करता है, उसके कान में जाकर के सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी क्या करें, हम कहते हैं मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, बस बाकी वो रह गया, जो रह गया वही हमारे ऊपर अटैक करता है, तब जाकर के हम हार जाते हैं। इसीलिए कड़े संस्कार को परिवर्तन करना, उसको रिपीट होने नहीं देना। जैसे मैंने बताया, मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम क्या करते हैं, ये गलती बार बार करते हैं। और केवल ये जन्म की बात नहीं, वो जो आप ढूंढा है वो संस्कार आपके द्वापर के लेकर, द्वापर से लेकर के आपके विकर्मों का वही कारण बना हुआ है,
वही संस्कार मेरा द्वापर युग से लेकर रहा है, मुझे उसको संगम युग में अभी परिवर्तन करना है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे संस्कार साथ में जाएगा, क्योंकि उस संस्कार के वश होने से मेरी की कमाई चट हो जाती है। उस संस्कार के वश होने से हमारी सारी शक्तियां ज्ञान बाजी में रह जाती। जैसे भीष्म के सामने शकंडी आया तो उसके सारे महारथी था भीष्म, लेकिन तो भी उसके सारे हथियार उसके कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि शकंडी के साथ उसका कोई हिसाब किताब था। उसने अंबा और अंबालिका किसी को लाया था वो शादी के लिए, लेकिन एक के वो नहीं किया, इसीलिए उसने कहा कि मैं उसका बदला लूंगी। और वही कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और वो लेते लेते लास्ट में वो युद्ध में शकंडी के रूप में आया था। इसी तरह ये संस्कार हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हमारा जन्म जन्मांतर से उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट है। जब कभी हम अकेले बने, जब कभी तनाव टेंशन में आए, कई असफलता मिली, हम उस संस्कार के वश होकर गए, उसे क्षणिक शुल्क लेने की प्रयत्न किया और अब उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई कई बार बाबा को भी कहते हैं, बाबा माया को भगाओ ना। तो बाबा क्या कहते हैं, भाई तुमने उसको बुलाया, तुम्हारा उसका संबंध है, तुम ही भगाओ। जैसे एक बार कहते विष्णु जी खड़े थे, इतने में देवता आए, तो देवता आए तो इतने में आसुर भी आए, तो देवताएं आसुरों को विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु जी आप इन आसुरों को भगाओ ना। तो उस समय आसुर क्या बोलते हैं, कहते हैं विष्णु जी, भगवान जी इनको समझाओ, इन देवताओं ने हमारी जब जब जरूरी थी तब हमको हमारा यूज किया, और हम अब हमको भगाने के लिए कह रहे हैं। तो कहने का मतलब हमने उस संस्कार को यूज किया। उस समय बाबा को नहीं पूछा, तो बाबा कहता आप तुम पुरुषार्थ करके तुम ही भगाओ। इसीलिए उस संस्कार को हमें अपने पुरुषार्थ से भगाना है। तो मेरे अंदर का शकंडी कौन सा संस्कार है वो चेक करो। तो वो जो मुख्य जो संस्कार है उसको हमें खत्म करना है। पहले तो कैसे ढूंढना है वो आपको बताएं। और हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, हर एक के अंदर संस्कार अलग अलग होता है, और हमें और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें जो मेरा जो बीमारी है, मेरा जो संस्कार है, उसके बारे में मुझे नॉलेजफुल बनना है। तो सभी ने एनालाइज किया होगा अपने अंदर का मुख्य एनिमी दुश्मन कौन सा संस्कार है। अब उसको खत्म करने के लिए क्या करें, उसके लिए मैं 6-7 युक्तियां सुनाता हूं। 6-7 युक्तियां, सहज युक्ति है। अगर ये आप ये करेंगे उस संस्कार को आप बदल सकते हैं। उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली युक्ति है अमृत वेला। जब आप योग के लिए योग करते हैं, योग करके बाबा को संस्कार के बारे में सुनाओ। जितना बाबा को सुनाएंगे उतना उस संस्कार के लिए आपको कुछ युक्तियां मिलेगी। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का आने का समय अलग अलग होता है। जब डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट उठ करके बैठता है और अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर सभी लोग पेशेंट है। किसी को काम की बीमारी है, किसी को क्रोध की, किसी की लोभ को, किसी को लोभ की बीमारी है, किसी को ईर्ष्या घृणा, कोई भी व्यक्ति बीमारी से बचा हुआ नहीं, सभी पेशेंट है। और सुप्रीम सर्जन एक परमात्मा है। और इस दुनिया में 4 वार्ड है, एक अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम रहते एशिया वार्ड में, और यहाँ डॉक्टर का आने का टाइम है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। जैसे उस हॉस्पिटल के वार्ड में जब डॉक्टर आता है, पेशेंट उठ करके बैठता है और बैठ करके झुटका नहीं लगाता,
उठ करके क्या करता है, जब डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ तो अपनी बीमारी का वर्णन करता है, मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। डॉक्टर पूछता अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, वो पेशेंट जैसा सुनाता है वो डॉक्टर लिख करके क्या करता है, ऑफिस में जाएगा, उसकी दवाई भेजेगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी चुप नहीं बैठेगा, तो भी कहेगा डॉक्टर जी मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें भी क्या करना है, जब अमृत वाला योग करते हैं तो हमें भी क्या करना है, बाबा को अपनी बीमारी के बारे में, अपने विकार के बारे में सुनाना है, अपनी जो कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सा संस्कार है, वो सब बातें वर्णन करो। इसीलिए बाबा कभी मुरली में कहता है, बच्चे सर्जन को अपनी बीमारी सच सच बताओ, कभी भी सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। ये बाबा कभी मुरली में कहता है। तो हमें भी क्या करना है, अमृत वाला योग करके फिर बाद में क्या करना है, बाबा को कहना है बाबा मैं एकदम ठीक हूँ, या कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कहो कि, जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने आपकी कल दवाई खाई तो भी दो बार उल्टी हुई, तो पूरा ऐसा हुआ, ये हुआ। डॉक्टर नोट करता है और उसकी दवाई फिर किसी कंपाउंडर के द्वारा या किसी नर्स के द्वारा ला करके दे देता है, या फिर खुद आकर के देता है। इसी तरह अगर हम भी बाबा को सुनाएंगे, बाबा कल मैंने अमृत वाला भी किया था, बाबा कल मैंने मुरली भी सुनी थी, तो भी पता नहीं क्रोध आया, ये काम विकार के संस्कार चले, संकल्प चले, बाबा मेरी दृष्टि उड़ती गई। जो कुछ होता है बाबा को सुनाओ, सच सच सुनाओ, और सुना करके फिर बाबा क्या करेगा, जो आप बीमारी बाबा को सुनाते हैं उसी की दवाई, उसी की पॉइंट्स मुरली, उसी दिन वो मुरली चलेगी जिस प्रकार के आपके संस्कार है। या कोई ना कोई मधुवंशी आपके सेंटर पर कोई ना कोई आएगा, उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगा जिस, जो आपकी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है। या टचिंग के द्वारा कहीं ना कहीं आपको उसकी दवाई मिलेगी। इसीलिए हमें रोज बाबा को जरूर सुनाना है, छिपाना नहीं है, ये युक्ति। इसीलिए बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे अपनी बीमारी को सर्जन को सच सच बताओ, तब वो संस्कारों के लिए हमें नॉलेज मिलेगा, ये एक युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है, उसके लिए रोज हमें क्या करना है, जो मुरली सुनते हैं वो मुरली समय सुनते समय मेरे अंदर की बीमारी क्या है और उसके लिए बाबा ने कौन से पॉइंट दिए, उसको नोट करना है। सारी मुरली सुनते समय हमारी बीमारी क्या है और उसकी दवाई कौन सी बाबा ने दी, कौन सी पॉइंट दी, वो कैच करना है। इसीलिए क्लास सुनने से पहले योग करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जो योग करके एकाग्र होकर के मुरली सुनेगा उसको पता चलेगा कि मेरी ये बीमारी है और बाबा ने ये पॉइंट दी, वो कैच कर सकेगा। मुरली को समझने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने शायद एक क्लास में खास ये बात बताई थी, हमें क्लास सुनने से पहले, अपना मुरली सुनने से पहले आधे घंटे का योग जरूर करना है। नहीं तो कई भाई बहन क्या करेंगे, बस देरी से आएंगे, सीधा आकर के 7 बजे क्लास में बैठेंगे, मुरली सुन के चले जाएंगे, लेकिन मुरली में बाबा ने क्या सुनाया, मेरी बीमारी क्या, वो क्या पॉइंट है, कुछ कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एकाग्रता चाहिए, एक एक पॉइंट सुनते समय चात्रक चाहिए। और वो चात्रक पना कब आता है, जब योग करके सुनेंगे तब। क्योंकि बाबा की मुरली, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं या डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं, कौन सी मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी भी टेबलेट्स है एक एक मुझे सैंपल दे दो, ऐसे बोलते हैं। आपकी जो बीमारी है उसकी दवाई आप मांगते हैं। अगर आपको सिर दर्द है कहेंगे सिर दर्द की दवाई दे दो, अगर पेट दर्द है कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो। इसी तरह बाबा की मुरली भी, अगर समझो आपने पेट दर्द की दवाई मांगी और वहां से आप दूसरी दवाई ली तो इफेक्ट माना ठीक नहीं होगी बीमारी। इसी तरह बाबा की मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है
जिसके अंदर काम की टैबलेट्स, क्रोध की टैबलेट्स, अलग अलग पॉइंट्स है उसके अंदर, हर विकार के बारे में बाबा की मुरली चलती है। तो मेरे प्रॉब्लम क्या है, वही पॉइंट मुझे लेना है, उसको यूज करना है, तब उस बीमारी का असर ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, संस्कार बदलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, हमें मुरलियों के तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुरली है भगवान वाच्य, डायरेक्ट शिव बाबा का वाच्य है, वो है असली श्रीमत। जैसे समझो मेरे पास एक चीज है, समझो ये घड़ी है, और इस घड़ी को जिसको मैं टच करता हूं सोने की बन जाती है, चाहे टेबल को टच किया सोने का बन गया, चाहे हर चीज लैपटॉप को टच किया सोने का बन जाता है। तो आप वैल्यू इस घड़ी को देंगे या वो सोने की चीजें जो बनते हैं उसको देंगे? घड़ी को देंगे ना, क्योंकि घड़ी जहां भी लगाते वो सोने का बन जाता है। इसी तरह आज जितने भी महारथी बने, चाहे शिवानी बहन बनी, चाहे दादिया बनी, चाहे सूरज भाई, आत्म प्रकाश भाई, चाहे हम भी, ये सब किसे बने हम महारथी? क्या सुन करके? मुरली सुन के, क्योंकि उन्होंने मुरली सुनी, मुरली से वो महान बने। इसी तरह हमें भी मुरलियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और जो मुरलियों के अनुसार चलेगा उसका जिम्मेवार बाबा है। तो मुरलियों के अलावा जो कुछ बातें हम सुनते हैं उसे जो उसे इतनी प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए मुरलियों की स्टडी बहुत जरूरी है। और बाबा की हर विकारों के प्रति मुरली चली, अगर 69 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मुरलियों की किताब छपी है, छोटी छोटी किताब, मुझे लगता है 10 रुपए 15 रुपए में आते, कोई महंगी नहीं है। हर टॉपिक के ऊपर मुरलियां चलिए। तो आपकी बीमारी क्या है, वो टॉपिक निकाल करके, वो मुरली निकाल कर उसको बार बार पढ़ो, और उस युक्तियों को अपनाओ, आपके संस्कार में बदलाव आएगा। इसलिए मुरलियों के ऊपर ये ज्ञानामृत छपता है, या जो भी बाकी सारे लिटरेचर है मुरलियों से ही बने हुए, तो मुरलियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और जो ओरिजिनल, क्योंकि आजकल तो मैं देखता हूँ कई भाई बहनों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इधर उधर से इतना नॉलेज आ रहा है, जो असली मुरली के पॉइंट तो बीच में छिप गए और बाकी सब बातों में लग जाते हैं। ये फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इन बातों से हमारी सदगति होने वाली नहीं है, सदगति होगी केवल मुरली से। इसीलिए इस भीड़ के अंदर हमें मुरली को नहीं भूलना है। मुरली में ताकत है, बल है, श्रीमत में बल है। इसीलिए बाकी और बातों को हमें बायकॉट करके मुरलियों की स्टडी करनी है। नहीं तो एक चित्र है, सीढ़ी में चित्र है, देखा, देखना आप लोग ध्यान से, सीढ़ी में एक लास्ट में एक चित्र है, एक भिखारी है, और भिखारी के सिराने पर गीता है, और भिखारी के हाथ में कटोरा है, और वो चित्र दिखाते भारत का, भारत का नहीं, वास्तव में हमारे बीके का चित्र है ये, असली गीता हमारे पास है, असली जो बाबा के डायरेक्ट महावाक्य ये हमारे पास है, लेकिन उसको रखेगा सिराने, और सिराने लेकर के कहते बाबा मेरा योग ही नहीं लगता, मेरे ये समस्या है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम, इसका मतलब मैंने उस मुरलियों की स्टडी नहीं किया। वास्तव में मुरलियों में हर समस्याओं का समाधान है, हर प्रश्न का जवाब है, उसकी स्टडी करना जरूरी है। और जो मुरलियों की स्टडी करता है वो संस्कार को परिवर्तन कर सकता है। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए जिस संस्कार मेरे अंदर है उसी टॉपिक की मुरलियां सुनना, जो साकार मुरली में चलती है, तो उसके लिए एक डायरी बनाओ, मेरे अंदर का कौन सा संस्कार है उसके लिए आज बाबा ने क्या पॉइंट दिया उसको नोट करो, और जितना उस संस्कार के नॉलेजफुल बनेंगे वो संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। और याद रखना, अगर वो संस्कार मेरा अंश के रूप में रहेगा, यही अंश वंश बन जाएगा,
कई बार बाबा को दिलासा देते हैं, क्या कहते हैं, बाबा ये तो हो जाएगा, मेरी थोड़ी सी भूल है ना, थोड़ी सी मेरे अंदर के संस्कार है, वो मैं विनाश नजदीक आएगा तब चेंज करूंगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अंतिम समय माया और ही फुल फोर्स से आएंगी, उस संस्कारों के अंश के वंश बनेंगे, अंतिम समय आत्माई शरीर छोड़ेगी, परम धाम नहीं जाएगी, बीच में अंतराल में घूमती रहेगी, भटकते रहेगी, क्योंकि जब तक परम धाम का गेट नहीं खुलेगा कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, तो शरीर छूटेगा, ऊपर घूमते रहेंगे। अब समझो उन आत्माओं में कोई काम का संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध का है, लेकिन उसको तो शरीर है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, जिसके अंदर काम विकार के अंश है, जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगी और काम विकार की तृप्ति करेगी, और पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा, अरे सोचेगा मैं इतना दिन से ज्ञान में चलता हूं, ये मेरे से भूल कैसी हो गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों के अंश के वंश को भी खत्म करो, मेरे एक एक इंद्रियों में भी संस्कारों के अंश ना हो। इसलिए मुरलियों की स्टडी, दो बातें बताई, एक तो बताया बाबा को अमृत वाला सुनाना, दूसरा बताया मुरलियों की स्टडी, तीसरी बात है अगर मुझे उन संस्कारों में परिवर्तन करना है, उसके लिए हमारे पास हर सेंटर पर कोई ना कोई हमारे से भी ज्यादा समय ज्ञान में चलने वाले अनुभवी सीनियर भाई बहने रहते हैं, तो आप अपने संस्कार के बारे में उनको भी पूछ सकते हैं, बहन जी दीदी जी मेरे अंदर ये संस्कार है, वो बार बार आ रहा है, मैं उसके लिए क्या करूं, सुना उनको, बाबा ने उनको निमित्त बनाया। लेकिन कई क्या समझते हैं, अगर हम दीदी को सुनाएंगे बहनों को सुनाएंगे तो हमें उस भावना से देखना शुरू करेंगे, इसीलिए अगर दीदी पूछती भी है आप कैसे हो, हाँ बहुत अच्छा है, वो संस्कार के वश हो रहे, विकार के वश हो रहे, माया आ रहे, तो भी छिपाएंगे, अगर छिपाएंगे संस्कारों को तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। इसलिए कभी भी संस्कारों को छिपाओ नहीं। दुनिया में अगर किसी को थोड़ा भी बीमारी हो जाते हैं, कोई फोड़ा होता है, छिपाते नहीं, सबको कहेंगे मेरे को यह फोड़ा हो गया है, मेरे को ऐसा, सबको बुलाएंगे, बोलेंगे तो कोई बोलेगा इसको पत्ते बांधो, कोई कहेगा थोड़ा ये लगाओ, कोई, भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, तो उस शरीर की बीमारी तो नहीं छिपाते, लेकिन ये विकारों की बीमारी क्यों छिपाए। इसलिए मैं अच्छा अपना नाम बताने की शर्म आती है, अब क्या करूं, किसी और का नाम बताऊं, क्योंकि फलाने ने मुझे पूछा था एक क्वेश्चन, उसके अंदर वो संस्कार है, लेकिन मुझे उसका जवाब देना नहीं आया, तो हम उनको क्या बताएं, है अपना खुद का लेकिन बताने की शर्म आ रही है, इसलिए उनको भी पूछो अपना नाम, दूसरे का नाम, नॉलेजफुल बनो, ये भी युक्ति है, तीन युक्ति बताए, चौथी है, चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस विकार को परिवर्तन करना है, उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। हमारा वो संस्कार हमारे लाइफ में क्यों आता है, हमारे जीवन में क्यों आता है, बाबा कहते हैं माया तो कागज का शेर है, लेकिन ये कागज का शेर असली कब बन जाता है, जब उसको कहीं ना कहीं का भोजन मिल जाता है। मैं इसको और खोल करके आपको बताता हूं, समझो किसी आत्मा का काम विकार का संस्कार है, और ऐसी आत्मा टीवी देखेगी, फिल्में देखेगी, कोई अश्लील गीत सुनेंगे या फैशन करेंगे, कोई ये करेंगे, तो मतलब उस संस्कार के लिए इंटरनेट के कोई गलत साइड से कुछ चीजें देखेंगे, मतलब उस संस्कार के लिए भोजन दे रहे हैं, उससे वो संस्कार में ताकत आती है, वो एक्टिविटी में आता है। इसीलिए बाबा ने नियम संयम मर्यादा क्यों बनाया, ताकि उस संस्कार का भोजन ना मिले और वो संस्कार दब जाए। लेकिन अब तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, अब मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते, इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते, लेकिन वो रहते हो भी हमें क्या करना है, उन चीजों के उन साइडों से बचना है, जो गलत चीजों से बचना है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है।
अगर थोड़ा भी उसको भोजन दिया वो संस्कार जागृत हो जाएगा। जैसे कोई समझो क्रोधी व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, अगर उस क्रोधी व्यक्ति वो है बुजुर्ग उठ भी नहीं सकता, अगर उसको अच्छी तरह रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, अच्छा खाना देंगे तो उसके अंदर और शरीर की ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही देंगे नहीं तो खटिया बैठ बैठ करके कहेंगे मैं वहां करके मारूंगा, मैं ये करूंगा। इसी तरह संस्कार को जब हम भोजन देते हैं, जब उस बात का संस्कार को भोजन मिलता है तब जाकर के संस्कार जागृत होता है। तो इसलिए क्या देखने से मेरे अंदर के संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से किनारा करो, उसके लिए बेहद के वैरागी बनो, चेक करो। अगर मैं संस्कार के वश होगा तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा, अगर मैं संस्कार के वश होगा तो मुझे धर्मराजपुरी में सिर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे संस्कार के, इसी तरह अच्छी तरह क्या करो, दृढ़ संकल्प लो और उस संस्कार से बचे रहो। तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं देना है। चौथी युक्ति बताए, पांचवी युक्ति है अपने आप को सदा बिजी रखो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार से बच जाएंगे। मुझे लगता है पिछले संडे की मुरली, अखंड सेवाधारी बनो, अखंड योगी बनो, निरंतर योगी बनो, देते रहो। बाबा ने कहा कि सेवाओं का लंगर लगा दो, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मना सेवा, गुणदान की सेवा, इसमें जितना बिजी रहेंगे उतना संस्कार से बच जाएंगे। अपने संस्कार परिवर्तन करने में नहीं जाओ लेकिन सेवा में बिजी रहो, योग में बिजी रहो, देने में बिजी रहो, अपने आप वो संस्कार बदल जाएगा। जितना बिजी रहेंगे उसे बच जाएंगे। जैसे पड़ोसनी आपके घर में कब आती है, पड़ोसनी जब आप, वो पड़ोसनी आती है अगर आप कुछ काम करने में व्यस्त है, वो आवाज लगाएगी लेकिन आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, वापिस जाएगी, फिर चक्कर लगाएगी बीच में, आप कोई रेस्पॉन्स नहीं करे फिर चक्कर लगाएंगे, आप थोड़ा भी फ्री हैं वो आएगी, कहेंगे अरे मैं चार बार आई थी, तुमको आवाज भी लगाया, तुम तो कुछ बोला ही नहीं, बस शुरू करेगी। इसी तरह माया भी एक मासी है, पड़ोसनी है, वो हमारे पास कब आती है, जब हम फ्री हैं। इसीलिए कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, अपने आप को खाली नहीं रखो, हमेशा अपने आप को बिजी रखो। और कितने सारे काम करने हैं मुझे, चेक करो हर एक को कितने काम करने हैं। मुझे भक्तों को सकाश देनी है, विश्व का वायुमंडल ठीक करना है, प्रकृति को परिवर्तन करना है, मेरे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को परिवर्तन करना है, कितना सारा बिजी है। इसलिए फ्री नहीं है, अपने आप को चाहे शरीर की दिनचर्या बनाओ, चाहे मन की दिनचर्या बनाओ, और साथ में स्थिति की दिनचर्या जितना बना करके बिजी रहेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे। लेकिन ये कोई रियल युक्ति नहीं है, दुश्मन से कब तक भागते रहोगे, कई तो पकड़े जाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बचने की युक्ति बता रहे। और वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते। जैसे जब बिल्ली आते, चूहे क्या करते, अंदर बिल में चले गए, बिल के अंदर घुस गए, इसका मतलब चूहे खत्म नहीं हुए, वो बिल में गए। जैसे बिल्ली चली गई चूहे बाहर आ गए। इसी तरह जब हम योग अच्छा करते हैं, अमृत वाला अच्छा करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, तो हमारे अंदर के संस्कार दब गए, तो हमें लगता वाह मैं तो बस आज ही देवता बन गया, बस कितना अच्छा बन गया। लेकिन थोड़ा एक दिन तो अमृत वाला मिस हो गई, थोड़ा ज्ञान योग कम हो गया, फिर वो संस्कार आ गए, फिर हम सोचते ये क्या हो गया। इसलिए हमें बिजी रखना है, संस्कार परिवर्तन नहीं लेकिन मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते।
इसीलिए बाबा कहते हैं अंत तक पढ़ना है, अंत तक निरंतर योगी बनना है, इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये नहीं समझना अभी लॉकडाउन में पढ़ाई की छुट्टी है, छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी करेंगे की कमाई चट हो जाएंगी, इसलिए अटेंशन से और ही अटेंशन रखना है, और ही हमें अच्छी तरह पढ़ाई योग ज्ञान उसमें लगे रहना है। क्योंकि क्लब में एक बार ही स्कूल खुलता है, इसलिए जितना बिजी रहेंगे इसमें ज्ञान योग में देने में उतना संस्कार से बचेंगे। कितनी युक्ति बताई? पहली युक्ति बताई, अमृत वेला को बाबा को सुनाओ। जब एक बार एक जगह पर मैं क्लास कर रहा था ये, तो एक भाई उठ करके प्रश्न पूछा, कहता है भाई जी बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है? बाबा को पता इस बच्चे ने ये गलती की है, उसके अंदर ये संस्कार है, अपने बाबा उसकी दवाई क्यों नहीं देता, उसकी पॉइंट्स क्यों नहीं देता? तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, हमने कहा कोई हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, अच्छा बताओ आपको क्या हुआ? जब डॉक्टर ने बीमारी के बारे में स्टडी किया है, इतनी डॉक्टरी की है, सब जानता है, लेकिन तो भी पेशेंट को पूछता है, अच्छा आप कैसे आए, आपको क्या हुआ? उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता, आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप देखो और चेक करो और दवाई दे दो। डॉक्टर को वो पेशेंट को बोलना पड़ता है, और जो पेशेंट बोलेगा वही दवाई डॉक्टर देता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है, बाबा मेरे को ऐसा हुआ ये हुआ है, तब बाबा उसकी पॉइंट देगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सच सच सुनाओ, इसीलिए मैं बाबा को अमृत वाला सुनाना, ये पहली युक्ति। दूसरी बताई मुरलियों की स्टडी, तीसरी बताई सीनियर भाई बहनों को बताना, चौथी बताई उस संस्कार का भोजन नहीं देना, पांचवी बताई स्वयं को बिजी रखना, छठी युक्ति है अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है श्रीमत और मर्यादा में सदा रहने की भीषम प्रतिज्ञा करो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे, क्योंकि श्रीमत प्रमाण चलने से हमारे में ताकत आती है, बल आती है। जब हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते तब जाकर के माया आती है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, माया बाबा की बेटी है और हम बाबा के बच्चे, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, भाई और बहन। लेकिन कभी कभी कोई बहन भाई को थप्पड़ मारती है, कब मारती है, जब वो बाप का कहना नहीं मानती, तो बहन थप्पड़ मारती है। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारती है, जब हम बाबा का कहना नहीं मानेंगे, अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली ठीक नहीं पढ़ेंगे, तो माया बहन थप्पड़ मारते। तो वास्तव में माया हमारे पास तब आते हैं, संस्कार तब आते हैं जब हम नियमों का उल्लंघन करते। आज तक आपके जीवन में माया ने जब जब थप्पड़ मारी उन दिनों को चेक करो, जरूर आपने कुछ नियम मर्यादा तोड़ी होगी, तब तो थप्पड़ मारिए। अगर रोज आप अमृत वाला कर रहे हैं, मुरली रोज सुन रहे हैं, योग ठीक कर रहे हैं, नियम से में चल रहे हैं, तो माया बहन तो खुश हो जाते हैं, वो टाली बजाते हैं, वहां मेरा भैया तो कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। जिस दिन माया बहन ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ो और क्या करो, आगे हाथ करके प्रतिज्ञा करो, सॉरी माया बहन मैंने ये नियम तोड़ा था, आज से मैं ये नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। संस्कार परिवर्तन होंगे, माया नहीं आएगी। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा के लिए भीषम प्रतिज्ञा करो। नियम मर्यादा में जितना चलेंगे उतना संस्कार परिवर्तन होगा। ये छठी युक्ति। आगे की युक्ति है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, आत्म अभिमानी की तपस्या। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जब आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है, वो विकारों के वश संस्कार के वश नहीं होंगे। वास्तव में आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों के द्वारा सुख दो या फिर योग से सुख लो,
जो योग से सुख नहीं लेता वो आत्मा उस विकार के वश होकर के सुख लेती। इसलिए जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, उतना में वो सुख मिलेगा, संस्कार के वश नहीं होंगे। इसलिए बाबा को हर मुरली में कहना पड़ता, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। तो जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना हम संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए आत्माभिमानी की साधना करना जरूरी है, ये तपस्या करना जरूरी है। मैं आत्मा हूं, सदा ये दीपक जलता रहे। जिस घर में दीपक जलता है वहां भूत नहीं रहते, भूत अंधेरे में आते हैं। जानवर वही अटैक करता है जहां लाइट नहीं है। इसलिए आत्मा की लाइट जला कर रखो, संस्कार परिवर्तन होंगे। इसलिए आत्माभिमानी की तपस्या, ये सातवीं युक्ति थी। आठवीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, हमें इस ज्ञान मार्ग में जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना है। किसी को आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है, किसी, क्योंकि कल्प पहले भी हम ब्राह्मण बने थे, कल्प पहले भी बीके बने थे, कल्प पहले भी माया पर जीत प्राप्त किया था। तो कल्प पहले आपने क्या पुरुषार्थ किया था कैसा पता चलेगा? बहुत गहरी बात है। इस कल्प में आपको जो चीज अच्छी लगती है, इसका मतलब 5000 साल पहले भी आपने वही अभ्यास किया था। तो उसके गहराई में जाओ। किसी को क्वेश्चन पूछना और पूछने के बजाय आप अशरीरी के बारे में क्या करते हो वो पूछो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। और उसके अंदर जितना आप डीप में जाएंगे, जैसे डॉक्टर्स होते आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, चमड़ी का स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह हमें कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बनना है। और उस एक स्थिति के डीप में जाएंगे, आपको अनुभव होगा, तब आप उस संस्कार से बच जाएंगे। और मेरा तो अनुभव ये कहता है, एक स्थिति में सारी स्थितियां समाई हुई है, तो एक स्थिति के अनुभव भी बनो। लेकिन हम क्या करते हैं, 17 कुएं खोद रहे, शांत स्वरूप का खोदे, पानी लगा उसको छोड़ दिया, फिर फरिश्ता का खोदेंगे, आनंद स्वरूप का खोदेंगे, अनुभव कुछ नहीं। और अंतिम समय का पेपर एक सेकंड का होगा, और एक सेकंड के पेपर में पास होने के लिए कोई ना कोई एक स्थिति का लंबा समय तक अभ्यास चाहिए। नहीं तो कहेंगे वो समय कुछ हो रहा है, सामने भूकंप आ रहा है, कुछ ज्वालामुखी फट रहे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ओम शांति कदम। इसलिए एक कोई स्थिति का डीप में अभ्यास करना है, तब उस संस्कार में परिवर्तन होगा। और उस संस्कार का परिवर्तन करने के लिए लास्ट की बात आई, ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति में रहेंगे वो संस्कार परिवर्तन होगा। ज्वाला स्वरूप योग, जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं, इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे हमारे अंदर के संस्कारों के अंश के वंश खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है 3-4 साल पहले बाबा ने एक वर्ष दिया था ज्वाला स्वरूप योग के लिए, ज्वाला स्वरूप योग से संस्कार परिवर्तन। इसलिए हमें लेकिन ये ज्वाला स्वरूप योग मेरा लगा रहे उसके लिए क्या करें? जैसे आग भड़कती तब जब लकड़ियों को हिलाएंगे आग भड़केगी, इसी तरह हमारे बुद्धि में बाबा ने ज्ञान की लकड़ियां डाली, उसको हिलाना, मनन चिंतन करना, मंथन करना, तब जाकर के ज्वाला भड़केगी। जितनी पवित्रता की धारणा होगी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी, इसीलिए ज्वाला स्वरूप। तो इसी तरह ये 8-9 युक्तियों में से कोई भी युक्ति को अपनाएंगे तब आपके अंदर के संस्कार परिवर्तन होंगे। अगर मैंने संस्कार परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? पांडव की विजय होगी, आज भी बाबा ने कहा पांडव की विजय होगी, लेकिन विजय होने के बाद पांडव को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, जैसे वो यादगार में दिखाते हैं शास्त्रों में, पांडव विजय हो गए, उसके बाद पांडव पहाड़ी पर गए, उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, लेकिन कहते हैं पहाड़ी सीधी थी, उसके पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक चलते चलते द्रौपदी गिर गई, भीम की नजर गई, अरे द्रौपदी दिखाई नहीं पड़ रहे, सभी को बुलाया वापिस, तो वापिस बुलाया, एक खड्डे जगह पर द्रौपदी खड्डे में गिरी थी,
भीम बहुत उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनता है, लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, कौन सी? उसका सबके साथ प्यार था लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, उसकी इच्छा थी कि मुझे पांडव के साथ अंत तक रहना है, लेकिन नहीं रह पाई, क्यों? लगाव नहीं छोड़ा। ये संगम युग की यादगार बातें, शास्त्र में जो बातें लिखी जाती है, संगम युग में जो होता है उसको लिखा जाता है। हमारी भी विजय होगी, हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा, पहाड़ी अर्थात परमधाम, और वहां से स्वर्ग में सत्युग में आना है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मैं बीके बन कर गए, मेरा किसी से लगाव है, झुकाव है, मेरे कोई पुराने संस्कार है, गिर जाएंगे। हम जो भी गलत काम करते हैं उसकी सारी फोटोग्राफ्स बाबा के पास है, जब धर्मराजपुरी से जाएंगे तो बाबा वो फोटोग्राफ दिखाएगा, किसका, आपका है किसी और का है, उस समय चेहरा नीचे करना पड़ेगा, इसलिए अब हमें संस्कार को बदलना है। नकुल गिर गया, बुद्धि का भी मानता, सहदेव गिर गया, सहयोग करने का भी मानता, भीम गिर गया, गदा युद्ध का भी मानता, लास्ट में अर्जुन भी गिर गया, युद्ध अक्षुनी सेना को मारने का भी मानता। इसीलिए चेक करो कहीं मेरे अंदर ऐसे, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता अर्थात ईमानदारी, युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी, इसीलिए संस्कार परिवर्तन करना है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की घड़ी तो बड़ी तेज चल रही, इसीलिए हम लोग यहीं पूरा करेंगे। तो खास संस्कार परिवर्तन करने के लिए ये 8-9 युक्तियां बताई, अगर इन युक्तियों को अपनाएंगे, अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे और ऊंच पद प्राप्त करेंगे। पहली युक्ति बताई, बाबा को अमृत वेला सुनाना। दूसरी बात बताई, मुरलियों से संस्कार की बातें सुनना। तीसरी बात बताई, सीनियर भाई बहनों को बताना। चौथी बताई, उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई, बीजी रहना। छठी बताई, श्रीमद प्रमाण चलना। सातवीं बताई, आत्माभिमानी की तपस्या। और आठवीं बताई, जो चीज अच्छी लगती है उसका अभ्यास। और लास्ट की, ज्वाला स्वरूप का योग। अगर इसमें से कोई भी चीज को अपनाएंगे, आप संस्कार को बदल सकते हैं। नहीं तो नहीं बदला तो जैसे बताया ना, वो भिखारी इनको छोड़ दिया वापिस, यही हमारी हालत होगी। इसलिए हमें संस्कार को बदलना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है बहन जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका, ठीक समझ में नहीं आ रहा है। आवाज समझ में, चलो कोई, चलो बहुत अच्छा। कालका जी वालों को देखो, चार क्लास मिल गए, भाग्यशाली है, बहुत अच्छी पालना मिल गई। ठीक, पूरा कर दें फिर। नहीं, आपका आवाज गूंज रहा है कुछ, पता नहीं। कुछ पूछना है किसी भाई बहनों को, नहीं तो फिर पूरा कर लेते हैं। वही गड़गड़ इसमें भी आ रही है। लेकिन मेरी आवाज जाएगी सही? जाएगी। हाँ, अभी आपकी तो आ रही, आज ही आ रही। ओम शांति।
हाँ जी ओम शांति। आ रहे दीदी आपका आवाज आ रहा है। अच्छा जी, ओम शांति ओम शांति। भगवान बाबा का और भगवान भाई जी का। सोनिया बहन कालका जी सेंटर पे दे दो ना। आप तो मास्टर भगवान बन गए भाई। आजी आजी भगवान भाई जी, तो आपके चिंतन से ही पता लग रहा है कि आपका मुरली का चिंतन कितना गहरा है। तो आपने इस महीने 4 क्लासेस कराई है। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी कराई है। आज भी आपने 7 फेरे का और जयमाला का बहुत अच्छे अच्छे अर्थ बताए। हाँ जी, बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस कराई, मैं भी सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो आपका दिल्ली दरबार में आने का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। आप इतने अथक, आपके पास तो डबल भंडारा है, एक आत्मा का भंडारा है और दूसरा शरीर का भंडारा आपके पास है। तो आप तो भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान बन गए। हाँ, इतनी सेवा आपकी सुनते रहते हैं, इतना आपका चिंतन, इतनी सेवा और कितनी दुआएं आपको सारी दुनिया की मिल रही है। तो दुनिया की भी मिल रही है और ब्राह्मण परिवार की भी मिल रही है, जो उस दुआओं से आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला जब आप दिल्ली में आए थे कालका जी में। तो ये सब क्या है? ये भगवान की श्रीमत है, जो श्रीमत से, जो दुआएं से आपने इतना बड़ा अवार्ड लिया। अवार्ड लेना माना भगवान का दिल जीतना। तो आपने संगम युग पर भी अवार्ड लिया। आप अवॉइड करते रहते हैं माया को और बाबा से अवार्ड लेते रहते हैं, और जब संगम युग पर आपको इतना अवार्ड मिला है तो भविष्य में आपका कितना बड़ा अवार्ड होगा, क्योंकि आप डबल भोजन आत्माओं को खिला रहे हो, एक आत्मा का और दूसरा शरीर का। कितने आपके पास हीरे हैं, कितने रतन हैं, कितना आपका श्रेष्ठ चिंतन है, जो आपने कहा श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ संसार हम बना सकते हैं। अगर आप जैसे सब ऐसे चिंतन करें मुरली का, काली मुरली सुनना और मुरली का स्वरूप बनना और मुरली से दूसरों को दान देना, बाबा ने कहा ना गुणों का दान करो, तो आप तो चिंतन करके गुणों का दान कितना करते रहे, कितने बड़े महादानी। बाबा ने कहा तुम वरदानी हो, महादानी हो, तो आप तो मनोकामना बाबा की पूरी कर रहे हो, जो जो श्रीमद बाबा की मिल रही है। तो इसलिए आपको ब्राह्मण परिवार की और हम सभी बहनों की बहुत बहुत दुआएं, और आप दिन दुगनी चार चुगनी इसी तरह आगे बढ़ते रहो। हाँ, और 3 दिन आपने इतना निरहंकारी होकर अपने समय पर क्लास शुरू किया और समय पर पूरा किया, तो मैं तो आपकी, बाबा की जो भी शिक्षाएं आपने जीवन के अंदर भरी हैं, मुझे सुन सुन के बहुत ही खुशी हो रही थी कि भगवान भाई इतने बिजी, हजारों लोगों का भोजन बनाते हुए भी कितने बाबा के बच्चे आते हैं बाप दादा के टाइम में, तो इतने व्यस्त होते हुए भी आपको ज्ञान की मुरली की इतनी मस्ती है, जो आप इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस तैयार कर लेते हैं। तो कई कहते हैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप जैसे इतने व्यस्त होते हुए भी, तो जिनको भगवान की मुरली की मस्ती है उनके पास तो भंडार भरपूर है। तो आप ऐसे दान करते हैं और करते रहेंगे, यही हमारी आपके प्रति शुभ भावना है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते हुए बाबा की, परिवार की ऐसे दुआएं। आवाज नहीं आ रही। लेते हुए भगवान भाई जी आजिए। हाँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप फिर से दिल्ली, आप तो दिल्ली के ही थे।
हाँ जी, हाँ और जी, दिल्ली में ही है, फिर दिल्ली में ही आना है, दिल्ली दरबार में आना है, राजधानी में आना है, और हाँ जी, हाँ आप जी, आते ही रहेंगे, स्वागत हाँ जी, है, धन्यवाद है। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू, ओके, ठीक ओम है, शांति, शांति, ओम ओम शांति, सभी को शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी भाई जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी 3 दिन कंटिन्यू भाई जी ने हमें क्लास की कराया है। कल हम इस 5:30 बजे आपको मिस करेंगे। 3 दिन तक बहुत अच्छा हमने ज्ञान ज्ञान वर्षा का अनुभव किया है, और भाई जी तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हम सभी जानते हैं। भाई जी तो पूरे भारतवर्ष में विशेषकर जेल की सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं अपने यज्ञ में, और स्कूल कॉलेजों में भी भाई जी सेवाएं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कोरोना के ऐसे समय में भी भाई जी ने हमें ज्ञान से भरपूर किया है, और हम भाई जी ने जो भी हमें ज्ञान की गहराइयों में लेकर गए हैं, बातें बताएं, हम जरूर उसको अपने जीवन में अमल में लाएंगे और हमेशा के लिए अमल में लाएंगे। तो ऐसे बुद्धि के कपाट खोलने वाले भाई जी का हम तहे दिल से बारंबार कालका जी की फुलवारी की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भाई जी, ओम शांति, ओम शांति। आज की क्लास जो है हम यही पूरा करते हैं। ओम शांति।